मैं तो या कहूं भाई मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हो, लेकिन भाई राहुल गांधी जी के लिए क्यों कौन नाम ले रहा? जेएनयू में लगे थे नाराज आजादी आजादी, या फिर कल आजादी के नारे लगे हैं? ऐसा अपमान तो भी सहन नहीं होगा। बोले झाजड़िया कौन सी विरोधरी मामे जाता मामे कौन मन तो या बता। अरे जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जिंदगी में चम्मच नहीं जीती वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पे सवाल उठा रहा, इससे दुख की बात क्या हो सकती है? जो खेल मैदान बनेगा उन थे जाके क्रिकेट खेलोगा, जित बिरादरी अलग अलग करके खेलोगे। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल होलमार्क, गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, हमाशामा गांधी चौक सुजानगढ़। देखिए भाई मैं तो मेरी थे पृष्ठभूमि जानो हो, एक मजदूर किसान को बेटो हूँ और 42 साल उम्र होगी मेरी। 42 साल में मेरे साथ संघर्ष ही रहे। छोटी सी उम्र में यो हादसो हो गयो हो और डॉक्टर या कही गयो बचकतरा गयो, मतलब बचने की कोई संभावना ही को नहीं, हाथ जरूर काटना पड़े पर जिंदो रहेगी। तो मेरे पिताजी या कही भाई ईश्वर की देन है या जी जिंदो रह गयो। डॉक्टर या कही के भाई अब ज्यादा ग्रोथ कौन करेगा लाइफ में, बड़े कौन गो आगे दुबलो पतलो रहेगो, तो आज भाभी ईश्वर की देन है तो बोलो पतलो तो कोनी में। लेकिन खेल के क्षेत्र में जो मैं मेहनत करी और मैं थाने बताना चाहूं, मेरकन तो एक ही चीज है, मेरकन ईमानदारी है, मेरकन सच्चाई है। कोरो कागज हो साफ सुथरो हो और सब बढ़िया बात यह है बा बढ़िया या घटिया थे जानो गुस्सो भी को नहीं आवे। क्यों? एक अमेरिका का राष्ट्रपति हो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो वो राष्ट्रपति बने हो तो लोगों पूछी मीडिया ने पूछी भाई यो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनो संघर्ष करना पड़े, तो वो नहीं बोले कोई ज्यादा कौन करना पड़े मन तो लोग अचंभे में अभी ज्यादा कौन करने पड़े राष्ट्रपति बन गयो। बोले देखो एनु ज्यादा संघर्ष तो मैं बचपन में पोलियो ही कर लियो, तो के संघर्ष है वो पोलियो ग्रस्त हो तो भैया संघर्ष की बात है, जिंदगी में घणो ही कर लियो मैंने कोई डर कौन लागे, बहुत संघर्ष करे है। जिस खिलाड़ी के पास जूते ना हो और वो ये कहता है कि मुझे खेलना है, जिस खिलाड़ी के पास बाला नहीं है, जिस लड़के के पास बाला नहीं है वो कहे बाला फेंकना है, तो मैं तो उस उम्र में जिद कर ली, जिद करके चैंपियन बन गया दुनिया का। लेकिन नियत साफ है, नियत है वही आपको आगे लेकर के जाती है। और मैं अब बात रही भाई या राजनीति काली, तो मेरे अंदर राजनीति को ने पहले ही बताते हूं, मैं तो जनसेवा की भावना आयो तारे बीच में, तारे जो दुख दर्द है वही दुख दर्द मेरा हो जिंदगी में। मैं यहां चाहूं अगली पीढ़ी आपने यो दुख ना देखे, सरकारी स्कूल में पटेड़ो हुए तो और श्याम लोग कैंडिडेट है कोई आयुष स्कूल नाम, कोई बड़ी बड़ी स्कूल नाम विदेश और कोई बीट्स पिलानी, मैं तो बीट्स पिलानी का मुंह करी करता जी डर लागे करता हूं भाई गार्ड पेर ना बढ़ने देगो को नहीं भाई, मैं तो सरकारी स्कूल का हर चीज सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल सब चीज मैं या चाहूं वो मैं संघर्ष करे वो थे ना करो, मेरा टारगेट यो है कि सुजानगढ़ चूरू लोकसभा में वो काम करके जाऊं जो मन ने याद करे दुनिया। और प्रधानमंत्री जी ने मेरे पर पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, जो मेरी स्टोरी सुनी होना, यदि कोई जन सेवा की भावना से काम कर सकता है तो वो देवेंद्र झाझड़िया कर सकता है। मेरी तो भाई बैकग्राउंड राजनीति को 1% मार तो वार्ड पंच की चुनाव को लड़ रहे हो, आज भी 5 कमरा है गांव में, जायडा भी कई लोग देखा हो गए थे सीधा साधा कमरा है, लेकिन मैं
90% लोगों की मैं जीवन जी चुका हूं, इसलिए मैंने समस्या को दे रहा है। तारा जब पालो मार गयो फसल ने तो मन थे फोन करो का पालो मार गयो तो मेरी यह समझ में आ जाएगी भाई ठंड ज्यादा है। कोई या कह गो ग्वार का तेलियो लाग गयो तो मैं तुरंत कहूंगा भाई ग्वार का तेलियो लाग गयो, तुरंत जांच करवाऊंगी। अरे मैंने हर चीज को दे रहा है मैं तारी समस्या को समाधान के लिए। यदि मेरी पहली कोई आवाज निकलेगी शपथ ग्रहण के बाद में तो वह किसान के लिए निकलेगी, ये वादों करूंगा। वे लोग चुनाव ने दूसरे मोड पर ले जाना चाहे उनके कोई विजन को नहीं। मैं तो यह कहूं भाई मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हो, लेकिन भाई राहुल गांधी जी के लिए क्यों कौन नाम ले रहा है? सोनिया गांधी जी के लिए वोट क्यों कौन मांग रहा है? और जो कल एक जो वो जिंदाबाद आजादी के 8 साल पहले नारा लगे थे जेएनयू में लगे थे नारा आजादी या फिर कल आजादी के नारे लगे हैं भाई किससे आजादी चाहिए आपको? अरे भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी फांसी से टूट गए उनका अपमान कर रहे, वो आजादी नहीं थी? भगत सिंह आजादी नहीं थी क्या? राजगुरु सुखदेव फांसी पे चढ़ गया उन्होंने आजादी के लिए, उसको आजादी नहीं मानते हो आप? अरे हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए उनको आजाद नहीं मानते हो आप? ऐसा अपमान तो भी सहन नहीं होगा और आपको भी नहीं करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टियां आएंगी लेकिन देश पे तांच नहीं आने देंगे। इस देश के लिए 200 देशों में चैंपियन बनाओ, ये देश मेरी रग रग में है, मैं बता दूं आपको। और मार तो बड़ी बात बताऊं धने, मैं आज ही बता के आया हूं गेलड़ी सभा में भी बड़ी अजीब सी विडंबना है आजकल के चुनाव प्रचार करके बड़ो लेट पूछूंगा। तो एक दिन 1:30-2 बजे पूछो तो धर्मपत्नी जागती बैठी ने बोली एक बात पूछनी है। तो मैं कभी पूरे दिन मन पूछा ही हलो दो पूछ बोले झाजड़िया कौन सी विरोधरी मामे जाता मामे कौन मन तो या बता। मैं बोले अब के बोलो आगे के बोलो बोलो पोस्ट देखू हूं रू हिसाब हूं घराना कोई गलत जगह तो नहीं ब्याह दी है मैंने। तो मैं एक किताब निकाली, एक राष्ट्रीय बहुत बड़ी संस्था है दिल्ली में उनकी एक किताब भी उन या लिख रखी देश का आपने समाज का कितने 25 जो फेमस लोग हैं प्रसिद्ध लोग हैं उनकी लिस्ट थी फोटो साथ में। तो मेरे 4 नंबर पर नाम हो मैं बात दिखाई मैं बोल देख भाई मैं वही बिरादरी हूं। अरे जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जिंदगी में चम्मच नहीं जीती वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पे सवाल उठा रहा है, इससे दुख की बात क्या हो सकती है? यह जवाब आप ही दे सकते हो। अरे जिस व्यक्ति ने 5-5 राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं जिसको देश का मान सम्मान बढ़ाने पे और जिसको एसटीएम ने नहीं सम्मानित किया वो उस व्यक्ति पे सवाल उठा रहा है वही। ये तो काबिलियत है, आप लोगों की दुआएं थी मेरे प्रति। मैं तो विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूं और वो किस किस चीज के नाम पे वोट मांग रहा है मैं आपको बताइए। एक बार बता दे वो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी की हम ये करवाएंगे राहुल जी के नेतृत्व में और हम कहते हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं तो भाइयों स्पष्ट बता दू मैं तो राजनीति करने को नहीं आयो, जनसेवक की भावनाओं आयो तारे बीच में। मैं चाहूं ग्राउंड बने अच्छा खेल मैदान बने और यही गोनी 1000 खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार बना चुकी है। मैं चाहूंगा 5000 बने उन ट्रेनिंग सेंटर में जो खेल मैदान बनेगा उन थे जाके क्रिकेट खेलोगा जित बिरादरी अलग अलग करके खेलोगे कभी थारी बिरादरी अलग है थे अलग खेलो थे अलग खेलो। अरे अब मैं जोड़ने के लिए आया हूं मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूं बता दूं आपको। मेरे तो देखो मैं तो खेलने जाता हूं तब हमारे तो 5 अक्षर लिख दिए जाते हैं जर्सी पे। आप इंडिया टीम देखते हो ना खेलती है तो 5 अक्षर लिखे जाते हैं इंडिया। तो हमें तो वो अक्षर लिख दिए उस दिन ही मान लिया था पूरा देश मेरा है
और इस देश से मैं प्यार करता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा, ये मेरी बात ठीक लगी कोनी थनवन तो या बताओ तो मेरा साथ दोगा? हाथ खड़े करो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, धन्यवाद। आज के इस बैठक की